एज ए पेरेंट मैं कुछ चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, क्योंकि हर दिन हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज़ होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे छोटे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो मतलब और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी, मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था। आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट, कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए, कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा। हाँ मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया, प्लीज़ दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं, कहीं नहीं। और अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे। खेलने गए हैं कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना। आजकल अगर देखा जाए बड़े होने के बाद, ये मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका नंबर वन रीज़न ये है कि बचपन में वो चाइल्ड का कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। सो आज ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने का एक ही बस मकसद है कि इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ अवेयरनेस दिया जाए, बस इट्स अ सिंपल एज दैट।